हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इंडियन पोस्ट की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। इंडियन पोस्ट की तरफ से ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप सी के पोस्ट है एंड ग्रुप सी के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, कहाँ पर एप्लीकेशन करना होगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूँगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करना चाहते। तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है प्रोसेस, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेल मोटर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। आज इस पर फिर से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि 4 अक्टूबर 2023 में मेल मोटर सर्विस और इंडियन पोस्ट की तरफ से ग्रुप सी के ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसके अंदर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एक एक जानकारी आप लोगों को दूंगा। क्लियरली मेंशन किया गया है कि फिलिंग ऑफ 6 वैकेंसीज फॉर द स्टाफ कार ड्राइवर इन ग्रुप सी के अंदर जो है कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर बात किया जाए, तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, ड्राइविंग लाइसेंस के आपके पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल, 10 पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे देख सकते इन सारे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है, तो डेफिनेटली आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने के लिए। इसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, 8 पास करना होगा एंड यहाँ पे 8 पास करने के बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास 10, 12 पास है, तो उसका सर्टिफिकेट भी लेके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एज लिमिट की अगर बात किया जाए, तो इस बार एज लिमिट जो है बहुत ही ज़्यादा रखा गया है, वो है 56 ईयर्स। तो अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करना चाहते, तो 56 ईयर्स तक के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज़ पर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एंड गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप SC/ST है तो 5 ईयर्स, OBC है तो आपको 3 ईयर्स तक के एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया से होने वाला है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक को जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन भेजने के लिए जो एड्रेस दिया गया है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि है कैरब सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस C121 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया Phase 1 नारायणा न्यू दिल्ली 110028। तो इसमें आपको जाके आपका एप्लीकेशन भेजना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्म दिया गया है, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के लिए पहले तो आपका नाम, आपका पोस्टल एड्रेस एंड आपका टेलीफोन नंबर इसमें आपको लिखना होगा। तो जहाँ पे आपको नाम, आपका पोस्टल एड्रेस, जिसमें पिन कोड, सब कुछ आपको यहाँ पे देना होगा। देन आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको यहाँ पे देना होगा। डेट ऑफ बर्थ गलत मत लिखिएगा। आपका एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में जो है उसको भी यहाँ पर देना होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे, आप मतलब यहाँ पे डिप्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको इसको जो है आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका डिटेल्स, उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे एक एक करके हर एक पोस्ट जो यहाँ पे दिया गया है उसको आपको लिखना होगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करके एप्लीकेशन करना होगा। तो यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। हर बार की तरह जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस बार भी आप लोगों को पूरा जानकारी देने वाला हूँ।
अगर वीडियो पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।